क्लास पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे फूड सेफ्टी के बारे में कि फूड सेफ्टी क्या होती है, और इसके साथ साथ आज कुछ हम जनरल टर्म्स जो कि थ्रू आउट द कोर्स हमारे पास डिस्कस होते रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली ये टर्म्स किस चीज के लिए यूज होते हैं या इनका मीनिंग क्या है। सो फूड सेफ्टी पे हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे फूड बिजनेस क्या होता है। ठीक है, फूड बिजनेस मीन्स जो बिजनेस का वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब है कोई भी बिजनेस है जो फूड से रिलेटेड होगा। ठीक है, कोई भी इंटरप्राइज हो सकती है या कोई एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, इंटरप्राइज होती है जो बड़े बड़े आपके पास जो इंटरप्राइजेस होते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, और इट कुड बी एक्टिविटी एक्टिविटी हमारे पास जो छोटे इंटरप्राइजेस होते हैं, जो छोटे जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जैसे आपके पास अगर कोई ऑनलाइन फूड का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे बिजनेस होते हैं। अदर देन प्राइमरी फूड प्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व, ठीक है, अदर देन कौन से ऐसे प्रोसीजर है जिसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, हैंडलिंग ऑफ द फूड इंटेंट फॉर सेल और द सेल ऑफ फूड। ठीक है, डायरेक्टली फूड को सेल करना, ठीक है, अब आप बाहर जाते हो, ठीक है, दुकान में जाते हो, ठीक है, उधर से जो लेस वगैरह आपको मिल रहा है, इट्स नॉट अ फूड बिजनेस, इट्स ओनली सेलिंग। ठीक है, तो ये फूड बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, या फिर वो लोग जो हैंडलिंग करते हैं इसकी, ठीक है, जो इन इन और आउट ऑर्गेनाइजेशन जो लोग हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, वो भी फूड बिजनेस के अंदर आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री हमारे पास की रिगार्डलेस ऑफ वेदर द बिजनेस इंटरप्राइज और एक्टिविटी कंसर्न इज ऑफ अ कमर्शियल चैरिटेबल और कम्युनिटी नेचर और वेदर इट इन्वॉल्व्स द हैंडलिंग और सेल ऑफ द फूड वन ओकेजन ओनली। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि फूड सेफ्टी जो है वो इस रिगार्ड से बिल्कुल ही फ्री है कि आपका बिजनेस है, एंटरप्राइज है, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, चैरिटी है, वॉट एवर है, ठीक है, कोई लंच प्रोग्राम है, इसके साथ से कोई कंसिडरेशन नहीं होगी। कंसिडरेशन किस चीज की है? फूड सेफ्टी की, कि जो भी फूड आइटम जो है वो मार्केट में लॉन्च किया जाएगा या जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं और उसकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो उसको पता होने चाहिए, हैजर्ड एनालिसिस करनी चाहिए और हैजर्ड कंट्रोल और प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स लेने चाहिए। फूड सेफ्टी इस चीज के साथ रिलेट करती है। ठीक है, उसका आपके बिजनेस के पैमाने में छोटा है, बड़ा है, चैरिटी है, नहीं है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसका ताल्लुक इस चीज के फूड सेफ्टी के साथ कि आपके फूड के जो ऑर्गेनाइजेशन है वट एवर उसमें हैजर्ड ना हो, हैजर्ड है तो उसको एनालाइज कैसे करना है, और अगर हैजर्ड एनालाइज नहीं हो सका, हैजर्ड आ गया तो उसको फिर प्रिवेंटिव मेजर क्या लेने हैं। ठीक है, सो बेसिकली फूड सेफ्टी इज measuring the amount of hazard is coming or the happened or if a hazard is happened how to prevent it, ठीक है, for further progress। ठीक है, food safety program means a program set out in a written document retained at the food premises of the food business including record of compliance and related action। ठीक है, food safety program क्या होता है? किसी भी organization के अंदर जो legal आपकी documentation होती है उसके अंदर आपका record data पड़ा होता है। ठीक है, उस record data के अंदर होता है कि कब कब अक्सर होता है ना इस तरह मे भी ठीक है ऐसा हो सकता है कि लेट्स सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गई है। ठीक है, तो फिर उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए थे, फंड्स लिए थे या फिर रियल स्टेट एजेंट्स जो होते हैं उनके थ्रू कोई बीमा वगैरह करवाई थी, वो सारा रिकॉर्ड आपने रखा होता है कि इस तरह से हमने किया तो फिर हमने इस तरह वाले एक्शन लिए, तो ये सारे रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सिस्टमैटिकली इन अ पैटर्न इन अ गुड वे, ठीक है, एक प्रॉपर साइंस चैनल के थ्रू एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने क्या करना होता है, पोटेंशियल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, दैट मे बी इजीली एक्सपेक्टेड टू ऑकर इन आवर फूड हैंडलिंग ऑपरेशन ऑफ द फूड बिजनेस। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था हैजर्ड क्या चीज होती है, जिसकी पॉसिबिलिटी होती है या फिर प्रोबेबिलिटी होती है 0 to 1% की। ठीक है, तो यहाँ पे भी है कि आपने सिस्टमैटिकली आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है हैजर्ड्स को या फिर ऐसे हैजर्ड को जो कि रीजनेबली एक्सपेक्टेशन हो आप लोगों की उससे कि ये जो है फर्दरली जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके फूड बिजनेस के अंदर। ठीक है, पार्ट बी जो है वो कंप्लायंस करेगा, पार्ट ए को आइडेंटिफाइज वेयर इन फूड हैंडलिंग ऑपरेशन ईच हैजर्ड आइडेंटिफाइड अंडर अ पैराग्राफ। ठीक, ए पैराग्राफ ए में आपको क्या बताया था कि जो भी कोई हैजर्ड हो उसको एक प्रॉपर चैनल में सिस्टमेटिकली फॉलो करना है, तो इससे भी यही मतलब है कि आप भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको तरीके और हिसाब किताब के साथ लिख लेना है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर कोई आपने पहले हैजर्ड फॉलो जज किया है और वो माइनर लेवल का है तो आपने फिर उसकी सिस्टमेटिक डिविजन कर देनी है, माइनर एक साइड पे, मेजर एक साइड पे, और टू बी और फोर बी वाले जो होते हैं वो किसी और
पैटर्न में आप लोगों ने लिख देने होते हैं, बट एक फॉलो, एक मेथड फॉलो करना होता है. हैप हैजर्ड एंड मिंगल अप नहीं करना कि ऊपर नीचे यहाँ वहां से कोई प्रॉब्लम आ रहा है इधर उधर लिखते, नहीं, एक सिस्टमैटिक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप लोगों ने चीजों को लिखना है. ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग ऑफ दी डोज कंट्रोल. ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, जो फर्दरली मॉनिटरिंग होगी एक तो आसान होगी, दूसरी मॉनिटरिंग भी सिस्टमैटिक होगी. नहीं अदरवाइज मॉनिटरिंग अगर हैप हैजर्ड में होगी तो आपके पास चांसेस है कि आपके पास वो चीज है वो प्रिवेल कर जाए या वो जो प्रॉब्लम है वो दोबारा आपके पास आ जाए. ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन व्हेन हैजर्ड और ईच डोज हैजर्ड इज फाउंड नॉट टू बी अंडर कंट्रोल. ठीक है, इससे क्या होगा, जब आपके पास डेटा पड़ा होगा तो अगर खुदा ना खास्ता फ्यूचर में ऐसे मसला वगैरह आता है तो आपके पास डेटा होगा एटलीस्ट उसको ओवरकम करने के लिए. अच्छा, एग्जांपल ऑफ फूड सेफ्टी प्रोग्राम है, प्रोवाइड फॉर अ रेगुलर रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम बाय द फूड बिजनेस टू इंश्योर एडिक्वेंसी. ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हो सकता है, पीरियडिकली हो सकता है, 7 दिन बाद 6 दिन बाद हफ्ते महीने 6 महीने बाद आप लोग उसकी रेगुलर इंस्पेक्शन कर सकते हो. ठीक है, अपने फूड बिजनेस की फूड सेफ्टी चेक करने के लिए आया, जो हमने मैयर या CCPs लिए थे उसको कोई फॉलो कर रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट बाय द फूड बिजनेस डेमोंस्ट्रेटिंग एक्शन टेकन इन रिलेशन और इन कंप्लायंस विद द फूड सेफ्टी प्रोग्राम. ठीक है, ये रिकॉर्ड क्या करता है, आपको मदद देता होता है कि आपने पास्ट में क्या एक्शन लिए हैं और फ्यूचर में कौन से एक्शन लिए जा सकते हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं कैरियर पर. ठीक है, आसान सा लेक्चर है क्योंकि आज मेरा गला खराब है तो मैंने थोड़ा सा जरा लेक्चर ईजी रखा है. कैरियर, कैरियर आप लोगों को भी पता होता है कैरियर कौन होता है. ठीक है, कैरियर ऑफ अ फूडबोर्न डिजीज डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु इज कैरियर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्डर्स. ठीक है, हम लोग हर एक बंदे को वैसे सिंपली तो हम लोग क्या करते होते हैं, सिंपली जब हम लोग की रूटीन लाइफ में जब बात हो रही होती है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग सिंपली बोल देते हैं कि ये बंदा जो है वो फलानी चीज का कैरियर है हमारे पास. ठीक है, बट इधर क्या है, हम अगर फूडबोर्न डिजीज का डिस्कस करें क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फूडबोर्न इलनेसेस प्रीवियस में पढ़ा था, उसमें है कि हर वो बंदा आप कैरियर नहीं कह सकते जिसके अंदर जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरस है उसके वायरस है. ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिकली जिसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस के वायरस है वो कैरियर नहीं होगा, ये स्प्रेड आउट नहीं होता आपके पास. ठीक है, अगर सपोज किसी बंदे को है तो उसकी वजह से किसी को हो नहीं सकता. ठीक है, कैरियर्स कौन होते हैं, कैरियर्स आर पीपल हु कैरी पैथोजन एंड इंफेक्ट अदर्स विदाउट गेटिंग सिक. ठीक है, आप कैरियर्स कौन होते हैं, जैसे टाइफाइड के कैरियर्स हैं, जैसे आजकल आपके पास ये कोविड के कैरियर्स हैं. ठीक है, कोविड में सब बीमार नहीं हो रहे, ठीक है, कुछ लोग जो है वो सिर्फ कैरियर है, वो खुद तो बीमार नहीं है पर वो वायरस लेके फिर रहे हैं और दूसरे आदमी को या बंदे को इन्फेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस इज अ पैथोजन कैरियड इन द नोज ऑफ 30-50% ऑफ द हेल्दी एडल्ट्स. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरस जो है वो आपके पास 30-50% है आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर की लोगों की नोज के अंदर जो है वो स्टे करते रहता है. Food handlers transfer this type of bacteria to the food when they touch the infected areas of their bodies and touch food without washing. ठीक है, ये जो vendors वगैरह होते हैं, अब इनके पास कोई सेटअप तो होता नहीं है, सैनिटेशन इनकी आप लोगों को पता है किस लेवल की होती है. ठीक है, वही बर्तन वो टब से मैं रख के बर्तन धो रहे होते हैं, वहीं से आपको दोबारा सर्व कर रहे होते. ठीक है, सैनिटेशन इनका कोई लेवल नहीं होता, तो इफ अगर ऐसे लोग कैरियर्स होंगे किसी भी वायरस का तो वो क्या करेंगे, वो ईजी ट्रांसमिशन रोड बन सकते हैं आपके पास. ठीक है, कोविड भी हमारे पास क्यों ज्यादा इंक्रीज हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वो तो बस घरों में बैठ गए, पर जो एक वेंडर था या ऐसे लोग थे जिनका घर का खर्च ही चीज पे चल रहा था, उन बेचारों को बाहर निकलना पड़ रहा था, वो बाहर निकल रहे थे और चीजें खरीदना हमारी मजबूरी, हमने खरीदनी थी, तो इस तरह से वो फिर करेंसी के थ्रू आपके पास बहुत सारा वायरस इस वजह से भी फैल गया. ठीक है, क्लीन मीन्स, ठीक है, प्रॉपर क्लीन का मतलब क्या होता है, क्लीन टू टच एंड फ्री ऑफ एक्सट्रीमिस्ट विजिबल मैटर और ऑब्जेक्टिबल ऑर्डर. ठीक है, आप किसी चीज को कब साफ बोलते हो, क्लीन बोलते हो, जब आप उसको टच करते हैं तो आपको उसके अंदर से एक फील आती है उस चीज की, या उसके ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह उस टाइम पे प्रेजेंट ना हो तब वो चीज जो है वो क्लीन बोली जाती है. ठीक है, अक्सर ये होता है कि आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो कहते हैं ये तो साफ है, बट वो साफ नहीं होता, वो एक उसका एक सर्टेन जो लेवल है ना, लेवल ही अचीव किया होता है. क्लीननेस का लेवल ये है कि हर चीज जो है ना बिल्कुल साफ सुथरी आप लोग सेट पड़ी हो. ठीक है, फिर कंडीशन क्या होती है, कंडीशन इन टर्म कंडीशन है मींस एन इंफेक्टेड स्किन लेजन और डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर रोज और आई. ठीक है, कंडीशन क्या चीज होती है, कंडीशन ऐसे किसी भी चीज की हो सकती है. ठीक है, बीमारियों में बुखार की भी हो सकती है, डिफरेंट चीजें होती है. हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, तो अगर स्किन के ऊपर हम किसी इन्फेक्शन की कंडीशन देखें या इन्फेक्शन देखें तो हम उसको कंडीशन बोल सकते हैं कि उसकी कंडीशन इस ऐसी है कि उसकी स्किन के ऊपर
लेजेस बने हो रहे हैं, उन लेजेस में से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ईयर और आई से भी डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज फ्रॉम पस और फ्रॉम ब्लड, ठीक है। कंटेमिनेंट क्या होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट, फॉरेन मैटर और अदर सब्सटेंसेस दैट मे कंप्राइज फूड सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। कंटेमिनेंट वो चीज होती है, इंक्लूडेड भी आप उसको बोल सकते, कोई भी ऐसी चीज जो कि बाहर से आती है आपके किसी प्रोडक्ट के अंदर और वहां पे जाके वो किसी किस्म की खराबी पैदा करती है, उसको हम लोग कंटेमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। कंटेमिनेशन क्या है, ठीक है, कंटेमिनेट इज इंक्लूडेड और कंटेमिनेशन होती है जब वो इंक्लूडेड अपने मकासद जो है वो अचीव कर लेते होते हैं। कंटेमिनेशन मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द कंटेमिनेंट इन फूड, ठीक है। कंटेमिनेशन तब होती है जब एक चीज जो है वो खुद को जाके उस जगह को जाके गंदा कर देती है, उस जगह को जाके खराब कर देती है, ठीक है। फोर रूल्स ऑफ फूड सेफ्टी क्या है, आपके पास क्लीनिनेस, ठीक है, सफाई का ख्याल रख रहे हैं। सेकेंड, सेपरेट सेग्रीगेशन करनी आपने अपनी डिफरेंट जो चीजें होती हैं, ठीक है, एक चीज को दूसरे के साथ नहीं रखना। तीसरा, प्रॉपर कुकिंग करनी, और चौथा पॉइंट होता है कि प्रॉपर चिलिंग करनी होती है, जो भी चीज आपने बनाई है उसको फिर कूल डाउन करना होता है ताकि उसके अंदर कोई खराबी ना हो। अगर आप देख लें तो चारों स्टेप्स जो हैं दे आर बेसिकली फॉर एलिमिनेशन ऑफ द डर्ट, मस्ट एंड वायरसेस, ठीक है, तकरीबन चारों सफाई में ही फॉल करते हैं आपके पास। अच्छा, इक्विपमेंट क्या चीज होती है, मशीन, इंस्ट्रूमेंट, अपरेटस, यूटेंसिल्स और अप्लायंस अदर देन अ सिंगल आइटम यूज, ठीक है। इक्विपमेंट वो चीज होती है जो कि हम सालों साल यूज करते हैं, वो कोई वन यूज वन टाइम यूज चीज नहीं होती, ठीक है। मतलब फ्रिज जो है वो एक इक्विपमेंट है, एंड और क्या चीजें हैं, फ्रिज हमारे पास इक्विपमेंट है, स्ट्रॉ भी हमारे पास इक्विपमेंट है, बट स्ट्रॉ जो है वो यूजेबल नहीं है, वो सिंगल यूज आइटम है आपके पास, ठीक है। तो वो इक्विपमेंट के अंदर आपके पास फॉल नहीं करेगा। Or intend to be used in or in connection with food handling or includes an equipment used for intended to be for clean food premises or equipment, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिसका फर्दर फंक्शन आपके पास होता है कि उसको खाना बनाने के लिए यूज करना हो तो उसकी सफाई का ख्याल रखना, ठीक है। सो वट इज इक्विपमेंट, एनीथिंग विच इज यूज मोर टाइम देन वन इज नॉन एज इक्विपमेंट फॉर द पर्पज ऑफ द फूड सेफ्टी क्लीनिनेस इन साइड द फूड प्रोमिसेस, ठीक है। Handling of the food. Handling of food includes the making, manufacturing, producing, collecting, extracting, processing, storing, transporting, delivering, preparing, treating, preserving, packing, cooking, throwing, serving or displaying of the food. मतलब harvesting से लेकर till the market में जब final product आपके सामने आती है, उस सारे procedures जो बीच में आते हैं उसको हम लोग handling करते हैं, कहते हैं, ठीक है। बनाने से लेकर फिर बनाने में addition से लेकर packing तक लेकर presentation तक everything is come under the term of handling of food, ठीक है। Frozen हम किस चीज को बोलते हैं, ठीक है, जो चीज बिल्कुल आपके पास जमी हुई हो बर्फ की फॉर्म में उसको हम फ्रोजन बोलते हैं। अगर पार्शली थॉड है लाइक सपोज आपने कोई चीज निकाल के रखी हो, थोड़ी थोड़ी पिघल जाती है, उसको हम फ्रोजन में नहीं बोलेंगे, ठीक है, फ्रोजन के अंडर नहीं आती, फ्रोजन बिल्कुल जमी हुई चीज होती है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक फैक्ट है, ऑटोमेट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात पूछी गई है, एक दफा कोई चीज डीफ्रीज करने के बाद दोबारा फ्रीज किया जा सकता है उसको, इसके ऊपर बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज है और बड़े मिथ्स वगैरह, कुछ लोग कहते कर सकते, कुछ कहते नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते, बैक्टीरिया आ जाते हैं अंदर, वो भी ठीक बात है, बैक्टीरिया आ जाता है, इसके अलावा कलर खराब होते, न्यूट्रिएंट्स जो है वो अक्सर वैनिश आउट हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ थॉइंग, ठीक है। सो अब हम कन्फर्म नहीं है कि ये मिथ है कि या ये फैक्ट है। US Department of Agriculture advises, ठीक है, frozen food के ऊपर उनकी कुछ advices है, US Department की, once food is thawed and refrigerated, it is safe to freeze, ठीक है, आपने thaw कर लिया है, अगर आपने उसको हाथ ही लगाया उसके ऊपर कोई गंदे utensils use नहीं किए तो you can freeze it, ठीक है, it's without cooking, although there may be loss of quality due to moisture loss during thawing, ठीक है, सिर्फ moisture loss हो सकता है आपके पास, इस तरह color या थोड़ी बहुत आपके पास flavor changes भी आ सकते हैं, ठीक है। After cooking raw food which prepared previously frozen, it is safe to freeze the cooked food, ठीक है। एक दफा आपने कुकिंग कर ली उसके बाद कुक फूड को भी आप फ्रीज कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। If previously cooked food are thawed in a refrigerator, you may freeze the unused portion, ठीक है। इसी तरह अगर आपने फ्रिज के अंदर रखा, कभी कभार होता है ना, जैसे अभी जैसे बहुत गर्मी है आजकल, तो इसमें हमें डिफ्रीजिंग के लिए बाहर नहीं रखना पड़ता, हम अक्सर फ्रीजर से उठा के रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, ठीक है। तो उसमें जितना पार्ट आपने यूज किया है वो आप यूज कर लो, जो नहीं अनयूज्ड है उसको आप रीफ्रीज कर सकते हो, ठीक है। फ्रीज लेफ्ट ओवर, जो लेफ्ट ओवर रह जाते, कभी कभार हम बहुत ज्यादा खाना बना लेते हैं
लाइक जैसे कुछ ऐसे ओकेजनली जो डिशेस बनती हैं जो कि थोड़ी टफ होती है बनाने में, जैसे साग हो गया या फिर हनी वगैरह हो गया, और उसको आपने बना लिया, उसको 2-3 दिन के अंदर अंदर फ्रीज कर लेना चाहिए लेफ्ट ओवर को। डू नॉट री फ्रीज एनी फूड लेफ्ट आउट फ्रीजर लॉन्गर देन 2 आवर्स की। कोई ऐसी चीज जो आपने बनाई थी या फिर आपने थॉ की थी और 2 घंटे से ज्यादा उसने बाहर गुजार लिए हैं, उसको आप दोबारा फ्रीज नहीं कर सकते, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड द एनवायरमेंट ऑफ दी सर्टन एरिया, जैसे आज तो गर्मी है तो 2 घंटे अगर गुजर जाए तो आपको नहीं रखनी चाहिए चीज वापस, ठीक है? 1 आवर इन टेम्परेचर अबव 94°F, ठीक है? या फिर 1 घंटा अगर 94°F में गुजार लिए। अच्छा, हैजर्ड क्या होता है? आई मीन द बायोलॉजिकल केमिकल और फिजिकल एजेंट इन आवर कंडीशन ऑफ फूड दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट इन ह्यूमन। कोई भी ऐसी चीज जो बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो या फिजिकल हो, और वो कोई कंडीशन प्रोड्यूस करती हो जो कि पोटेंशियल हो, स्ट्रांग हो, तो उसको हम लोग हैजर्ड बोलते हैं। तो ह्यूमन बींग के अंदर कोई मसला क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फ्लेम्स हो गए, ठीक है? इसके अलावा आपको सिर्फ जो आपके पास सर्फेसिस होती हैं, इसके अलावा और क्या है? ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीजन के साथ आग में जो एक्सप्लोसिव मटेरियल हो गया, ठीक है? हेल्थ हैजर्ड है, टॉक्सिन है, ठीक है? ये सारे और कुछ बायोलॉजिकल केमिकल्स और कुछ बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं, ठीक है? जिसमें ये सांप वगैरह का वेनम वगैरह आ जाएगा। मॉनिटरिंग क्या चीज है? मॉनिटरिंग इंक्लूड चेकिंग, ऑब्जर्विंग और सुपरवाइजिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन कंट्रोल, ठीक है? जैसे आप लोग की क्लासेस हो रही होती हैं आजकल ऑनलाइन, तो इसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है, ठीक है? हम सब के जो लिंक होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो मॉनिटरिंग रूम होते हैं वहां पे चले जाते हैं और पता चल जाता है उनको कि क्लास हेल्ड हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? तो मॉनिटरिंग का बेसिक फंक्शन होता है कि चेक करना और ऑब्जर्व करना कि कोई भी जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है? पेस्ट क्या चीज है? पेस्ट इंक्लूड बर्ड्स, ठीक है, रोडेंट्स, इंसेक्ट और आर्किमिड्स। आर्किमिड्स वो है जो स्पाइडर्स टाइप के, जितने भी आपके पास स्पाइडर और स्पाइडर की फैमिली के जितने भी स्पीशीज हैं उनको हम लोग आर्किमिड्स बोलते हैं, ठीक है? जिसमें स्पाइडर टाइप 2-3 चीजें मुझे नाम भूल गई है, ठीक है? सो इसे हम लोग पेस्ट बोलते हैं इन चीजों को, ठीक है? अभी आर्किमिड्स की फैमिली है सारी की सारी, ठीक है? जिसमें के अंदर स्कॉर्पियन भी आ रहा है, आपके पास स्पाइडर आ रहा है, फॉल स्कॉर्पियन आ रहा है। फॉल स्कॉर्पियन अभी इस सीजन में आपको बस इजीली नजर आ जाएंगे, हमारे इलाके में इधर होते हैं, ठीक है? लाहौर वगैरह में ये लगते स्कॉर्पियन की तरह होते हैं, पर ये स्कॉर्पियन नहीं होते, ठीक है? इसके अलावा और भी चीजें हैं, और ऑर्कोनिस है, सन स्पाइडर है आपके पास, ठीक है? इन सारे सारी फैमिली को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? पोटेंशियली हैजर्डियस फूड, ठीक है, मींस फूड दैट हैज टू बी केप्ट एट सर्टेन टेम्परेचर to minimize the growth of any pathogenic microorganism that may present in the food or to prevent the formation of toxins in the food, ठीक है? Potentially hazardous food का मतलब ये कि कोई भी ऐसे food जिसको हमने एक certain temperature पे रखना होता है, otherwise वो खराब हो जाता है। Ice cream जैसे हैं, ठीक है, उनको अगर हम certain temperature पे ना रखें वो melt हो जाते हैं। इस तरह के cakes हो गए, desserts हो गए, उनके लिए एक certain temperature को अगर required certain temperature से वो ऊपर नीचे होते हैं तो खराब हो जाते हैं। और sometimes ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज है लाइक चलो आइसक्रीम की तो यही मोमेंट हो जाती है, बट अगर कोई पेरिशेबल चीज है जैसे फिश हो गई और उसको सर्टेन टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा? वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगी आपके पास। अच्छा, प्राइमरी फूड प्रोडक्शन के कुछ आप मीन्स है ग्रोइंग, ठीक है? ग्रो करते हैं सबसे पहले बीज बोते हैं, फिर उसको ग्रो करते हैं, फिर उसकी कल्टिवेशन करते हैं, फिर पिकिंग करते हैं, फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है? आजकल जैसे भी मुझे लगता है गंदम की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है? कलेक्शन ऑफ द कैचिंग ऑफ द फूड, ठीक है? एंड इंक्लूड द फॉलोइंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फूड ऑन फार्म और बिटवीन द प्रीमिसेस, ठीक है? इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। अब जिनकी गंदम वगैरह रखती होगी उनको पता होगा ट्रांसपोर्टेशन घर तक होती है, कभी कभार मार्केट तक चली जाती है। द पैकिंग, ट्रीटिंग, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग, ट्रीटिंग हम समटाइम्स करते हैं कुछ चीज़ों की, जैसे अब आपके पास ये जो सेला चावल होते हैं ये ट्रीटेड होते हैं ना, आप लोगों को पता है कि कच्चे चावल जो होते हैं वो जैसे ही हार्वेस्ट होते हैं और उसी तरह उनको पैक कर दिए जाते हैं। तेला चावलों में क्या होता है, उनको आफ्टर हार्वेस्टिंग उनको धोया जाता है, फिर उनको फ्राई किया जाता है और फिर उसके बाद उनको पैक किया जाता है, ठीक है? सो दिस इज काइंड ऑफ ट्रीटिंग। हाउएवर प्राइमरी फूड प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड एनी प्रोसेस, इसमें एक्सक्लूसिव चीजें क्या है जो एक्सक्लूडेड चीजें क्या है जो एक्सक्लूड करती गई है, एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड, लाइक फूड में कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना, जैसे फूड कैनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है ना, काट देते हैं उसके अंदर सिरप के एडिशन कर देते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द प्रोसेस इज कैरीड आउट इन प्रीमिसेस इन व्हिच द फूड वाज ग्रोन, ठीक है? इस चीज को क्या कहते हैं, नोट किए बगैर हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रीमिसेस के बाहर ऐसा अगर किया गया है तो
प्राइमरी फूड प्रोडक्शन के अंदर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। द सेल सर्विस ऑफ फूड आइटम्स टू पब्लिक, ये भी फूड सर्विस में आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, इन रिलेशन टू फूड मीन्स एक्टिविटी कंडक्टेड टू प्रिपेयर फूड फॉर सेल इंक्लूडिंग। प्रोसेस क्या होता है, जब आपके घर में सब्जी आती है, मैं आपको घर की एग्जाम्पल लूंगी, वो जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। घर में सब्जी आती है, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले वो निकलती है, फिर वो धुलती है, फिर उसको छीलते हैं, उसकी कटिंग होती है, चॉपिंग होती है, ठीक है। फिर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ की सब्जी, अगर उसको फ्रीज करना है या फिर थोड़ी देर के लिए सोक करना है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो होती है इसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। कोई भी छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर जब कोई एक प्रोडक्ट बनाती है तो उन छोटे छोटे स्टेप्स को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। रेडी टू ईट फूड, ठीक है। रेडी टू ईट फूड क्या होता है, मीन्स फूड दैट इज ऑर्डिनरली कंज्यूम्ड इन द सेम स्टेट एज दैट इन व्हिच इट वाज सोल्ड, ठीक है। एज इट इज आप जिसको खा लें, ठीक है। जैसे आप लोग फूड कोर्ट्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे डोनट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस जैसे लेते हो वैसे आप खा लेते, ठीक है। रेडी टू ईट फूड आर फूड दैट डजंट नीड कुक फूड ऑलरेडी हैज बीन कुक्ड, ठीक है। जितने भी चिल्ड फूड है आपके पास, does not include nuts in the shell or and whole raw fruits and vegetables that are intended for hulling, peeling or washing by the consumer, ठीक है। फ्रोजन वेजिटेबल्स की एग्जाम्पल ले लें, इसमें फ्रोजन फूड की एग्जाम्पल ले लें, नट्स वगैरह में जो छिले हुए पीनट्स होते हैं, सुपर क्रिस्प या कुरकुरे वगैरह के, ठीक है। सो ये आपके पास रेडी टू ईट फूड होता है, जिसमें आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस सिर्फ खोलना होता है। सैनिटाइज क्या होता है, टू अप्लाई नीट और केमिकल ऑन द प्रोसेस टू द सरफेस सो दैट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस इज रिड्यूस, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वॉक थ्रू डोर्स लगे हुए हैं सैनिटाइजर्स के, ठीक है। सैनिटेशन उस चीज की होती है जिसमें आप जर्म्स को मार देते होते हैं बाय एनी मेथड, हीट से, केमिकल्स से, ठीक है। डज नॉट कंप्राइज द सेफ्टी ऑफ द फूड विद इट मे कम इन टू कॉन्टेक्ट, ठीक है। फूड सेफ्टी के ऊपर से कोई लेक्सिबल, अगर हाथों की सैनिटाइजेशन कर रहे हैं तो वो फूड सेफ्टी के ऊपर उसको कोई हर्ज नहीं आना चाहिए, मतलब वो फूड के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, दोनों प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज, ठीक है। सिंगल यूज आइटम क्या होते हैं, कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स एंड यूटेंसिल, इंजेक्शन हो गए, ग्लव्स हो गए, कैप्स हो गए, ठीक है। ये सारे क्या है, ये आपके पास सिंगल यूज आइटम है, इंटेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर ओनली टू बी यूज्ड वंस इन कनेक्शन विद द फूड हैंडलिंग, ठीक है, एंड इंक्लूड डिस्पोजेबल वन, ठीक है। फूड हैंडलिंग अगर बात करेंगे तो हमें और किस चीज की जरूरत नहीं है, ग्लव्स की और कोट्स की जरूरत होती है सिर्फ, तो उसके लिए कंपनीज ने वो बनाए होते हैं, वो सिर्फ वन यूज होते हैं, ठीक है। Then temperature control means containing, maintaining food at temperature of 5 degree or below if necessary to minimize the growth of the infectious microorganism. ठीक है, temperature को हमें कम करना है ताकि कोई भी खतरनाक किस्म की वायरस वगैरह या मॉर्फो ऑर्गेनिज्म या इंट्रूडर्स जो है वो इंटरप्ट ना कर सके। Microbiological safety of the food will not be adversely affected for the time that food is at temperature of or at 60 degree, ठीक है। तो microorganism safety कब होती है, of the food will not be adversely affect नहीं होगी अगर temperature हम लोग रखेंगे 60 degree तक और above, ठीक है। बस बेटे ये इतने से लेक्चर था आज का आपको, ठीक है। नहीं तब पर ठीक नहीं तो मैंने लेक्चर छोटा रखा है, और क्विज का आप लोगों को पता चल गया होगा, कल आपका रात को 8 बजे क्विज है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ठीक हो गया, अटेंडेंस में आप लोग नहीं लगा रही, अटेंडेंस का एरर आ रहा है, कोई एक घंटा हो गया अटेंडेंस नहीं मार हो रही, यूनिवर्सिटी में कोई इशू है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछने चाहिए बेटा, प्रेस करें आप जी। बेटा किसका क्वेश्चन है बोले, मैम क्विज का पैटर्न बेटा, पैटर्न एलएमएस पे अपलोडेड तो है, आप लोगों ने अपना असेसमेंट फॉर्म नहीं देखा, 30 एमसीक्यूज है, चीजें देख लिया करें बेटा, सब कुछ अवेलेबल होता है एलएमएस पे। नहीं मैम, सिनेरियो भी बेटा एमसीक्यूज में कैसे सिनेरियो में बना के दे सकती हूँ आपको इस सब्जेक्ट में, सिनेरियोस के लिए ना लॉन्ग क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है आपको, और जो एमसीक्यूज में सिनेरियोस भी बनते ट्रू एंड फॉल्स में सिनेरियो बनते हैं। चलो बेटा आप लोग लीव कर सकते हैं, अटेंडेंस तो आप लोग की वैसे भी नहीं लग रही है। मैम क्विज कल है? जी बेटा कल। ओके मैम, थैंक यू।